नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज बाय रामलखन यादव में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टैंडर्ड साइज शटरिंग प्लेट। हम इसमें स्टैंडर्ड साइज शटरिंग प्लेट का वेट कैसे निकालते हैं, क्या क्या इसमें मटेरियल लगा है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे विस्तार से। आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी मदद से आप किसी भी शटरिंग प्लेट का वेट इजीली निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शटरिंग प्लेट का साइज़ है 1250 mm बाई 1000 mm का। इस शटरिंग को बनाने के लिए हमको तीन मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले ISA 50/56 ms एंगल, दूसरा फ्लैट बार 50/6 का फ्लैट बार, और तीसरा HR सीट 4 mm का। हम एक एक मटेरियल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने जो ये एंगल यूज किया है वो ISA 50/56 है। ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, और 50/56 यानी कि ये इक्वल एंगल है। एंगल दो प्रकार का होता है, एक इक्वल एंगल और अन इक्वल एंगल। इसका हमने यूनिट वेट भी लिख रखा है। 50/56 का यूनिट वेट होता है 4.5 kg/m। दूसरा जो हमारा आइटम है इसमें फ्लैट बार 50/6 का, इसका जो यूनिट वेट होता है 2.36 kg/m। इसका जो विथ है 50 mm है और थिकनेस 6 mm का है। जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू शटरिंग के अनुसार वेरी करेगा। हमारा जो तीसरा आइटम है 4 mm का MS सीट है। 4 mm का MS सीट का यूनिट वेट होता है 31.4 kg/m² में। अब हम देखेंगे ये हमारे जो तीनों आइटम है, MS एंगल, फ्लैट बार और 4 mm का HR सीट, इसका क्या साइज है और कितना नंबर्स लगा है एक शटरिंग प्लेट बनाने में, जिसका 1250 mm का लेंथ है और 1000 mm का चौड़ाई है। हमने एक चार्ट बना लिया डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल का, लेंथ इन मीटर में, नंबर्स, यूनिट वेट kg/m, यूनिट वेट पर आइटम और टोटल वेट इन kg। पहला जो हमारा आइटम है ISA 50/56 का, 1 मीटर का लेंथ, दो पीस लगा है, इसका यूनिट वेट लिख दिया 4.5, और 9 kg आएगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों आइटम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 × 2 × 1 से, तो 9 kg आएगा। अब हमने यहाँ पे 1 मीटर लेंथ क्यों लिखा, क्योंकि शटरिंग का हमने यहाँ पे लिया है फुल विथ में 1 मीटर। 1 मीटर का एक यहाँ है, दूसरा साइड में 1 मीटर का, इसीलिए हमने 1 मीटर का दो पीस लिया। MS एंगल ISA 50/56 एक और है जो 1238 mm का है, दो पीस है। 1238 mm कैसे आया, क्योंकि देखिए टोटल हमारा जो लेंथ है 1250 है, एक साइड थिकनेस 6 mm एंगल का, दूसरे साइड एंगल का थिकनेस 6 mm, तो एंगल का थिकनेस 6 mm दोनों साइड से 12 mm हमने 1250 से माइनस कर दिया, तो फाइनली 1238 mm हमारा जो एंगल का थिकनेस आएगा, 1238 mm का दो पीस आएगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 4.5 × 2 × 1238, ये हमको मिलेगा 11.142 kg। हमने MS एंगल का यूज कर लिया। अब फ्लैट बार 50/6 का कितना पीस लगा है और इसका कितना लेंथ है वो देखेंगे। फ्लैट बार 50/6 का 988 mm का चार पीस लगा है। फ्लैट बार का जो 50/6 का है, इसका यूनिट वेट 2.36 से होता है। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2.36 × 4 × 0.988 से, तो आ जाएगा 9.327। और ये 0.988 कहाँ से आया हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे
टोटल हमारा जो विथ है 1000 mm का है, 6 mm का एंगल का थिकनेस यहाँ से या 6 mm का दूसरे साइड से माइनस कर देंगे, 1000 में से 12 mm माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.988। और इसका कितना पीस हो जाएगा फ्लैट बार का, 1, 2, 3, 4 पीस। इसीलिए यहाँ पे 0.988 का 4 पीस मैंने लिखा। और इसका वेट फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आ जाए 9.327। इसमें जो दूसरा फ्लैट बार हमने यूज किया है उसका लेंथ है 1214, यानी कि 1.214 मीटर, 3 पीस है। इसका भी यूनिट वेट सेम रहेगा और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को एक साथ तो 8.595 kg आ जाएगा। अब ये 1214 यानी कि 1.214 ये कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा शटरिंग प्लेट है, इसमें हमने 6 mm का एंगल का थिकनेस 1 और यहाँ का एंगल का थिकनेस 1, 2 एंगल का थिकनेस, उसके बाद 4 फ्लैट बार का थिकनेस, तो टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हो जाएंगे 6 mm का थिकनेस का, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 mm आएगा। तो 1250 में से 36 mm माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो फ्लैट का लेंथ आएगा 1.214 मीटर। इसका 3 पीस लगा है, 3 पीस लगा है, एक पीस ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं, हमने इसको 988 mm का थ्रू फुल रखा है, यानी कि ये ब्लॉक बन गया और ब्लॉक में यहाँ से यहाँ का लेंथ हम नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ का लेंथ नाप लेंगे, ये ऐसे 240 mm आएगा। तो एक ये तरीका हो गया, इसको ब्लॉक भी ब्लॉक वाइज लेंथ ले सकते हैं, या दूसरा टोटल लेंथ में से ये सबका थिकनेस माइनस कर दीजिए, इसका जितना एक्चुअल इसमें फ्लैट बार लगा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो निकल जाएगा। हमारा जो तीसरा और फाइनल मटेरियल जो इसमें लगा है HR शीट 4 mm का, जिसका साइज है 1250 mm बाई 1000 mm और 4 mm का थिकनेस, तो इसको जब हम पुट करेंगे यूनिट वेट इसका 31.4 हो जाएगा। 31.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा 39.25। अब क्या करेंगे, हम सारे वेट को एक साथ जोड़ देंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ शटरिंग प्लेट आ जाएगा 77.3 kg। यानी कि हमको शटरिंग प्लेट एक स्टैंडर्ड साइज बनाने के लिए, जिसका साइज है 1250 बाई 1 मीटर का, इसमें टोटल क्वांटिटी लगेगा 77.3। अब मैं आपको एक्सल में कैसे बनाते हैं इसका टोटल मेजरमेंट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसका हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, शेप, साइज, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स, क्या क्या हमने मटेरियल यूज किया, और मेजरमेंट, मेजरमेंट में कितना नंबर्स लगा, क्या लेंथ है, यूनिट वेट क्या है इन केजी पर मीटर, टोटल वेट इसे हम निकाल सकते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। हमने जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल हमने यूज किया है, ISA 5056 लिया है, 2 पीस लगा है, 1 मीटर का लेंथ है, इसका यूनिट वेट है 4.5 kg पर मीटर, इसको 9 kg आएगा 2 में जब हम इसको तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फार्मूला पुटअप कर दिया है जिससे कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाता है। उसी तरह से दो नंबर है 1238 mm का है, 4.5 थिकनेस है, इसी तरह से हम ये पूरा इस तरह से एक्सेल में टोटल वेट निकाल सकते हैं।
आपको मैं 1250 बाई 1 मीटर का शटरिंग दिखा रहा हूँ। देखिए इसका लेंथ 1 मीटर बाई 1250। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं जो हमने पहले बताया है। 988 mm का ये फ्लैट बार हो गया और ये 1214 mm का फ्लैट बार हो गया। 1, 2, 3 988 mm का 1, 2, 3, 4 प्लेट। इस तरह से हम किसी भी शटरिंग प्लेट का वेट आसानी से निकाल सकते हैं।